हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हाची क्रिएशंस। इस वीडियो में मैं आज आपको एक बहुत ही प्रेटी निटिंग बॉर्डर बताने जा रही हूँ, जिसे हम अपने किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट पे, कार्डिगन पे, स्वेटर पे, फ्रॉक पे, जैकेट पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा पैटर्न लगता है। ये पैटर्न टोटल 10 के मल्टीपल और प्लस वन एक्स्ट्रा स्टिच का पैटर्न है। 10 10 10 10 एंड प्लस वन एक्स्ट्रा स्टिच, और ये टोटल 4 रोज में बन के कम्प्लीट हो जाता है। ये देखिए राइट साइड से कुछ ऐसे दिखाई देता है और ये रॉन्ग साइड से ऐसे दिखाई देता है। सो लेट्स स्टार्ट दी पैटर्न। फ्रेंड पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने अपनी नीडल पे टोटल 21 स्टिचेस लिए हैं, 10 का मल्टीपल 20 एंड प्लस वन एक्स्ट्रा स्टिच। सो लेट्स स्टार्ट इट्स फर्स्ट रो राइट साइड, स्लिप द फर्स्ट स्टिच। फर्स्ट स्टिच को हम ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे। आफ्टर दैट निट 9 स्टिचेस, 9 स्टिचेस सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, ये 9 स्टिचेस हमने सीधे बुन लिए। वी विल रिपीट दिस पैटर्न इन द होल रो, पूरी रो में हम अपना यही पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। एंड द रिपीट पैटर्न इज स्लिप 1 स्टिच पर्ल वाइज, 1 स्टिच को हमने स्लिप कर लिया। आफ्टर दैट निट 9 स्टिचेस, 9 स्टिचेस हम सीधे बुनेंगे। 1 स्टिच बचेगा तो इसे भी हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, बिना बुने उतार लेंगे। सेकेंड रो रॉन्ग साइड, स्लिप द फर्स्ट स्टिच। फर्स्ट स्टिच को ऐसा स्लिप किया, देन यार्न इन बैक, धागे को पीछे करेंगे एंड निट 9 स्टिचेस, 9 स्टिचेस हम सीधे बुन लेंगे। 3 4 5 6 7 8 एंड 9, देन यार्न इन फ्रंट, धागे को आगे करेंगे एंड स्लिप स्टिच, जिसे हमने पिछली रो में स्लिप किया था इसमें भी ये फिर से स्लिप कर लिया। देन यार्न इन बैक, धागे को पीछे करेंगे, अगेन निट 9 स्टिचेस, 9 स्टिचेस सीधे बुनेंगे। यही पैटर्न हम अपनी पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। स्लिप 1 स्टिच, निट 9 स्टिचेस। तो लास्ट में हमारे पास 1 स्टिच बचेगा, तो यार्न इन फ्रंट, धागे को आगे करेंगे तो इसे भी स्लिप कर लेंगे। थर्ड रो राइट साइड, स्लिप द फर्स्ट स्टिच। फर्स्ट स्टिच को स्लिप किया, अब इसे नेक्स्ट स्टिच को हम सीधा बुनेंगे, लेकिन डबल यार्न ओवर करके। निट दिस स्टिच विद डबल यार्न ओवर। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, वी विल रिपीट दिस पैटर्न इन द होल रो, पूरी रो में हम अपना यही पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। एंड द रिपीट पैटर्न इज स्लिप 1 स्टिच, 1 स्टिच को स्लिप किया, देन निट 9 स्टिचेस विद डबल यार्न ओवर। 9 स्टिचेस हम सीधे बुनेंगे, धागे को 2 बार अपनी सिलाई पे घुमा के। तो लास्ट में हमारे पास 1 स्टिच बचेगा, तो उसे भी हम स्लिप कर लेंगे। स्लिप द लास्ट स्टिच। फोर्थ रो रॉन्ग साइड, निट द फर्स्ट स्टिच। फर्स्ट स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 स्टिचेस डालेंगे, 4 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। 1 देन 2 3 एंड 4,
निट फर्स्ट स्टिच देन कास्ट ऑन फोर स्टिचेस डालिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमने डबल यार्न ओवर किया था थर्ड रो में, एक्स्ट्रा यार्न ड्रॉप करते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 9 स्टिचेस की हमने जो एक्स्ट्रा यार्न थी उसे ड्रॉप कर दिया। देन अगेन ट्रांसफर इन टू द लेफ्ट नीडल। अब इन्हें फिर से हम अपनी लेफ्ट नीडल पे ट्रांसफर कर देंगे। अब इन 9 स्टिचेस को उल्टा बुनते हुए इनका 1 स्टिच बना लेंगे, ऐसे करके। पर्ल 9 स्टिचेस टुगेदर लाइक दिस, ऐसे करके बन गया। नाउ अगेन कास्ट ऑन 4 स्टिचेस। अब फिर से यहाँ पे हम अपने 4 स्टिचेस डालेंगे। 1, 2, 3 एंड 4। वी विल रिपीट दिस पैटर्न इन द होल रो। पूरी रो में हम अपना यही पैटर्न रिपीट करते ही आएंगे। यहाँ पे हमने अपने 9 स्टिचेस कम किए थे, तो यहाँ पे हमारे 9 स्टिचेस बन गए, 4 ये, 4 ये और 1 ये। यही पैटर्न पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। एंड द रिपीट पैटर्न इज निट स्टिच। इस स्टिच को हमने सीधा बुन लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे 4 स्टिचेस डालेंगे, 4 स्टिच कास्ट ऑन करेंगे। 1, 2, 3 एंड 4 कास्ट ऑन 4 स्टिचेस, देन यार्न इन फ्रंट। अब एक्स्ट्रा यार्न को ड्रॉप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 9 स्टिचेस की जो एक्स्ट्रा यार्न थी उसे हमने ड्रॉप कर दिया। अगेन इन्हें अपनी लेफ्ट नीडल पे हम ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर दीज स्टिचेस इनटू द लेफ्ट नीडल अगेन। और इन 9 स्टिचेस को उल्टा बुनते हुए इनका नौका एक बना लेंगे। पर्ल 9 स्टिचेस टुगेदर। ऐसे करके नाउ अगेन यहाँ पे 4 स्टिचेस डालेंगे, कास्ट ऑन 4 स्टिचेस। 1, 2, 3 एंड 4 चार स्टिच डालिए एंड निट द लास्ट स्टिच। लास्ट स्टिच को हमने सीधा बुन लिया। सो फ्रेंड्स, आफ्टर द 4 रोज ये देखिए, ये पैटर्न हमारे पास ऐसे बन के तैयार हो गया। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉइंग निटिंग विद अस।